स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम समझेंगे कि हेलो एल्केन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो आज उसकी हम लोग प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे, जो भी और जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ उनके मेथड्स होते हैं तो उनको आज हम लोग समझेंगे कि कैसे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। आज सिर्फ बात होगी हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने की, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करके हम हेलो एल्केन कंपाउंड बना सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला Rx होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। Rx में R आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और अगर एरोमेटिक सिस्टम है तो वहाँ पर वो R आपका एराइल ग्रुप हो सकता है, जैसे फेनिल की रिंग होती है। तो R और X की जगह, जहाँ पर X बेसिकली आपका हेलोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ बेसिकली फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जो हमें देखने को मिलता है वो है फ्रॉम एल्केन से। एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना या हेलो एल्केन बनाना, बात एक ही है, दोनों के अलग अलग नाम है। हेलो एल्केन बेसिकली आपका IUPAC नेम में यूज़ करते हैं, और एल्किल हैलाइड आपका जनरल नेम है या कॉमन नेम है। जैसे मिथाइल क्लोराइड एक इसका कॉमन नेम है, जबकि क्लोरोमेथेन सिंपली, या बहुत इसको स्पेसिफाई करके बोलूँ तो 1-क्लोरोमेथेन इज़ दी IUPAC नेम ऑफ CH3Cl मॉलिक्यूल। सो फ्रॉम एल्केन वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन और सिंपली एल्किल हैलाइड। अब ये कैसे होगा? सिंपली एल्केन्स रिएक्टेड विथ Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन दे प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अगर हम किसी एल्केन को, अब एल्केन क्या होती है, सिंपली एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। किसी भी एल्केन के बारे में अगर आपको समझना है तो सिंपल साइन का फार्मूला है CnH2n+2। अब यहाँ पर n का वैल्यू अगर आप 1 रखें तो C1 हो जाएगा, H2 × 1+2, इसका मतलब हो जाएगा CH4। मीन्स यहाँ पर आपको सिंपल सा समझना है, ये हो जाएगा आपका मेथेन। मेथेन आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में या हाइड्रोकार्बन में, और इसके कार्बन को हम सुपर कार्बन भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। सो अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि एल्केन जो है आपका, एक तरह से जो आपका एल्केन आपको दिख रहा है यहाँ पर, बस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हमें क्लोरीन लगा देना है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि हमारे पास एक एल्केन, कोई भी एल्केन का मॉइटी हो सकता है, कोई एल्केन का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एल्केन जनरली जिसका फार्मूला CnH2n+2 हो सकता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो मेथेन बनेगा, n की वैल्यू 2 है तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह करके आप वर्ड रूट के हिसाब से एल्केन बना सकते हैं। तो अब उसकी रिएक्शन अगर हमें करनी है तो फिर वो रिएक्शन किस तरह से होती है, जहाँ पर मैंने सिंपली लिखा हुआ है कि CH4 की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि इसका साइन है HN, और सनलाइट आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सनलाइट भी साथ में, तो यहाँ से एक H एक Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा और CH3Cl बना लेगा। फिर यही रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म होती है। ये एक कैसी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म होती है, जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल एक ऐसे न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, एक ऐसे न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं जिनमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जनरली 7 हमें देखने को ज़्यादातर मिलते हैं, या 1 भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन का क्लीवेज इस तरह से किया जाए कि अगर उनका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को अगर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से जो 1 है वो आपका एक क्या ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी रिएक्शन कुछ इसी तरह से होती है। सबसे पहले क्लोरीन क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो सनलाइट है इसका फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है, सिंपल सा। तो दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको, जब दोनों इनका क्लीवेज होगा इलेक्ट्रॉन का, जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को बराबर मिल जाता है, तो इससे होता क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। इन द सेम वे जब ये फ्री रेडिकल
सी एच फोर के पास आता है, तो सी एच फोर के साथ अब यहाँ पर ये क्लोरीन, यहाँ पर ये जो क्लोरीन आ गया है फ्री रेडिकल के रूप में, अब ये इनके बीच का भी इलेक्ट्रॉन सेम वे ऐसे ही टूटेगा इसी मैनर में, तो ये जो H होगा इसके साथ मिल जाएगा तो ये HCl बना लेगा, और यहाँ पर हमें जनरेट क्या मिल जाता है, एक मिथाइल रेडिकल मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्या फ्री रेडिकल मिल जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म लगातार चलती रहती है, रिएक्शन चलती रहती है, क्योंकि जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक ये सारे हाइड्रोजन को जब तक ये हटा नहीं लेगा तब तक ये, तो आप देखेंगे इनिशियली ये CH4 था और फाइनल में CCl4 मिल रहा है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है, जब तक सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते हैं फ्रॉम हैलोजन एलिमेंट तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। इसीलिए आपने इसकी कॉन्सेप्ट में थ्योरी में क्या लिखा है, सनलाइट देन दे प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का मिक्सचर मिलता है, जिसमें आपका CH3Cl भी होगा, CH2Cl2 DCM यानी डाइक्लोरोमेथेन भी होगा, क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3 और साथ में CCl4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एक रिएक्शन रही जिसके थ्रू आप इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर C2H6 ले लेंगे और Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे या Br2 के साथ करा देंगे तो C2H5Cl मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सबकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी या अलग अलग होगी, तो सिंपल सा आंसर है सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगी। जो स्टार्टिंग में फास्टली रिएक्शन करेगा तो उसकी कलेक्टिवली आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप ये जब जैसे जैसे इनका अदर प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। आई होप आपको पहले मेथड से रिएक्शन का बनाना ये चीज़ आपको आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एल्कीन की तरफ। एल्कीन एल्केन से बनाना सीख गए हैं, इसी तरह एल्कीन से भी बनाया जा सकता है। अब एल्कीन से बनाने के लिए तरीका ये है, एल्कीन से बनाने के लिए तरीका ये है कि हमें यहाँ पर एडिशन कराना होता है HX का, यहाँ पर हमें एडिशन कराना होता है HX का विद एल्कीन, तो उससे क्या होगा विल गिव एल्किल हैलाइड। तो फिर हमें एल्कीन क्या देगा, एल्किल हैलाइड देता है या देगा वो, तो कैसे रिएक्शन होगा, इस CH2 को जो कि एक सबसे सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर है एल्कीन कंपाउंड या एल्कीन फैमिली का, फर्स्ट मेंबर हमारा कौन है, एथिलीन गैस या एथीन जिसका IUPAC नाम एथीन होता है, ठीक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 या कॉमन जिसे हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला में C2H4 के रूप में देखते हैं, और एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला जो है वो आपका CnH2n- होता है, CnH2n होता है, CnH2n-2 आपका एल्काइन का हो जाता है, CnH2n ये आपका एल्कीन का जो है आपका जो एक मॉलिकुलर फार्मूला है या सिंपली जो इनका जनरल फार्मूला है वो CnH2n होता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर n का वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम n का वैल्यू 1 रख देंगे तो जो फार्मूला निकल कर आता है वो बनेगा सिर्फ CH2, इसका मतलब है कि वहाँ पर उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड बनाने के लिए। वैसे अगर आप देखें तो CH2 को हम एक तरह से इंटरमीडिएट बोलते हैं जिसका नाम है कार्बीन, वो एक अलग मैटर है रिएक्शन मैकेनिज्म में, इंटरमीडिएट में अलग पोर्शन में पढ़ने को मिलता है, बट फिर भी एल्कीन मेंबर को प्राप्त करने के लिए, एल्कीन मेंबर को हमें लेने के लिए हमको 2 कार्बन लेना ज़रूरी है जिसके बीच में दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट और फर्स्ट मेंबर है एल्कीन फैमिली का जिसका नाम है एथिलीन गैस या एथीन। अब इसमें हमें एडिशन रिएक्शन कराना है। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट तो मोर देन 1 हो सकते हैं बट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एडअप होके हमें मिल जाती हैं। तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HX अगर इसमें जोड़ना है तो ये CH3, ये CH2 और ये X, यानी X यहाँ जोड़ दिया है, H यहाँ जोड़ दिया है, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड टूटने पर एक पर तो प्लस आ जाएगा, एक पर माइनस आ जाएगा, या माइनस जिधर भी आए तो HX में आपका एक H प्लस होता है और X माइनस होता है, तो माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास जाता है। तो सिंपल से रिएक्शन है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये एक ऐसी सिमेट्रिकल एल्कीन है, या जहाँ पर भी सिमेट्रिकल एल्कीन होती हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की सिचुएशन एक ही जैसी होती है, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, उस केस में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसमें आसानी से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों की सिचुएशन, डबल बॉन्ड को आप देखिए और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के कार्बन ऐसे हैं कि जिनकी सिचुएशन एक जैसी है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, या मान लीजिए एक और एक H हटा दें यहाँ से। अगर आप सपोज़ करें कि हम ये CH और डबल बॉन्ड CH लिखे हैं, अगर हम इनमें से यहाँ पर CH2 था, अब यहाँ से हमने एक एक H हटा दिया है
और इधर भी हमने CH3 लगा दिया और इधर भी हमने CH3 लगा दिया। तो अभी भी जो एल्कीन हमें देखने को मिल रही है इसका नाम 2-ब्यूटीन है, और ये एल्कीन एक तरह से आपकी क्या है, एक जो है सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में खास बात यह है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ की जो सिचुएशन है कार्बन की वो एक ही जैसी है। अब मैं अगर इसमें हैलोजन एसिड जोड़ना चाहता हूँ यानी HX, तो मैं बॉन्ड चाहे इधर तोड़ दूँ या बॉन्ड या मैं इधर तोड़ दूँ, दोनों ही रास्ते मेरे लिए पॉसिबल हैं क्योंकि दोनों तरफ की सिचुएशन एक ही जैसी है। इसलिए आप बॉन्ड को तोड़ना आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब आप इसको अगर 20 से ऐसे करें तो देखेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हाफ हाफ हिस्से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जब आप यहाँ पर HX जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, किधर पे भी जोड़ेंगे। जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड का नाम होगा 2-हैलो-ब्यूटेन, इसका नाम होगा। सिंपल सा समझ लीजिए, अब यहाँ पर X जो भी हो सकता है आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पर 2-हैलो-ब्यूटेन नाम बनेगा। जिधर भी ग्रुप लगेगा काउंटिंग आप उसी के पास से शुरू करेंगे। आई होप आपको सिमेट्रिकल एल्कीन का सिस्टम समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो HI आपका हाईली रिएक्टिव होता है, HBr थोड़ा कम और HCl कम। मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि कौन जल्दी एडिशन जिसका हो जाएगा, ठीक, किसका जल्दी एडिशन हो जाएगा, ये एकदम वो चीज़ समझनी है हमें यहाँ पर। तो मतलब क्या है कि HI जल्दी ऐड हो जाएगा, HBr ऐड हो जाएगा या HCl, तो ये चीज़ डिपेंड। अब इसी चीज़ को रिएक्टिविटी का नाम इस तरह से दिया गया क्योंकि जो जल्दी जुड़ जाएगा इसका मतलब है कि वो जल्दी ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ इस बात पर एक्सप्लेन की जाएगी कि जो HI है HI में बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है, HBr में बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है और HCl में बॉन्ड और छोटा हो जाता है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडिशन के लिए जो X माइनस और H प्लस हमें चाहिए वो भी हमको इतना आसानी से प्रोवाइड हो जाए कि वो रिएक्शन में डबल बॉन्ड जहाँ पर टूट रहा है वहाँ पर इजीली पहुँच जाए। अब सपोज़ करिए कि एक ऐसा HX है जिसमें H और X अलग होने में उनको समय लग रहा है, तो वहाँ पर फिर इनकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं इवन HF की भी, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की, अब आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि उनका क्लीवेज, उनका सेपरेट होना थोड़ा सा इनके मुकाबले मुश्किल है। तो HI का बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से बॉन्ड थोड़ी सी वीक हो जाती है। सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। किसी की बॉन्ड लेंथ अगर जो है छोटी है तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी हो जाएगी तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर वन। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, रिएक्टिविटी HI की इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि HI में आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो है 5P5, जबकि आप हाइड्रोजन की बात करें तो 1S1। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर एक एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और उसका नंबर ऑफ सेल 1 है, जबकि जो आयोडीन की बात करें तो नंबर ऑफ सेल 5 है, तो एक इम्प्रॉपर सी एक बॉन्डिंग उनके बीच में रहती है, एक बहुत जिसको बोलते हैं ना कि कॉम्पैक्ट या एकदम सूटेबल जो फिजिबल बॉन्डिंग है या जो ओवरलैपिंग है वो उतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से HI में नहीं रहती है। बॉन्ड भी वीक रहता है, एनर्जी लेवल दोनों के अलग अलग हैं, जबकि HCl में वो एनर्जी लेवल और कम हो जाता है तो बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर आपको समझना है तो HI बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा क्योंकि इनका बॉन्ड का क्लीवेज आसानी से हो जाएगा। HBr थोड़ा सा टाइम लेगा और HCl थोड़ा और टाइम लेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए मैंने छोटी सी एक टॉपिक लिख रखी है कि अगर स्टार बना के देखिएगा, अगर इफ़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर मिल जाए हमें, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमें मिल जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इफ़ अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज देयर देन एडिशन ऑफ HX विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल किस लिए अप्लीकेबल होता है, कहाँ पर अप्लीकेबल होता है और क्यों अप्लीकेबल होता है, इसके लिए हमको समझना है इस चीज़ को अच्छे से। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग सिंपल सा MKW रूल समझेंगे। क्या नाम देंगे इसको पहले हम लोग? MKW रूल। इसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात, ये रूल किस कहाँ पर अप्लीकेबल है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
ठीक। दूसरा टर्म जो हमको इसमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ, अब एम के डब्ल्यू रूल कहाँ कहाँ लगता है, एडिशन ऑफ देखिए एच एक्स में काम करेगा, एच एक्स के बाद एच टू ओ में भी काम करेगा, इवन सी एल टू बी आर टू इन सब में भी काम करता है, और साथ ही साथ एच ओ सी एल में काम करेगा यहाँ पर भी, और एक और कंपाउंड मिल जाता है एन ओ सी एल, इनमें भी हमें देखने को, इतने जो मैंने कंपाउंड आपको सामने लिख के दिखाए हैं यहीं पर एम के डब्ल्यू रूल या एंटी एम के डब्ल्यू रूल देखने को मिलता है, जिसे हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। आगे चल के थोड़ा और डिटेल में जब इसका एक वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको एक एकेडमिक धोखा भी पढ़ाएंगे जो कि हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को एडिशन करना है। तो अब समझते हैं कि अभी हमारा केस केवल एच एक्स के इर्द गिर्द घूमना है, तो हम सिर्फ एच एक्स यानी हैलोजन एसिड की बात करेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की जो सिचुएशन है, कार्बन की जो एक तरह से आपकी जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो सिमेट्रिक नहीं लगना चाहिए। जैसे एल्कीन में आपने एथिलीन गैस लिया, तो जब आप उसको हाफ करिए, मान लीजिए उसके बीच में एक मिरर रखिए या उसमें पार्टीशन करिए, तो पार्टीशन में दोनों चीज़ें बराबर बट जा रही थी, दो एक कार्बन इधर था, एक कार्बन इधर भी था, इधर भी दो हाइड्रोजन थे, इधर भी दो हाइड्रोजन थे। या एक एग्जांपल मैंने टू ब्यूटीन का लिया था, तो टू ब्यूटीन में डबल बॉन्ड के इधर भी दो कार्बन हो रहे थे, डबल बॉन्ड के इधर भी दो कार्बन हो रहे थे, डबल बॉन्ड के इधर भी तीन और एक चार हाइड्रोजन हो रहे थे, और इधर भी तीन और एक चार, क्योंकि सी एस थ्री और इधर सी एस था। तो जो सिचुएशन थी वो एकदम इक्वल थी, या ऐसा कह लीजिए सिमेट्रिकल, देखने में सिमेट्रिकल लग रहा था। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि अनसिमेट्रिकल क्या होता है। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होगा कि अगर मैं इधर लगा देता हूँ CH3, इधर मैं CH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लगा देता हूँ, H लगा दूँ, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। अब यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ CH2 हो जाएगा एक तरह से, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ये मैं ऐसे लिख दिया मैंने CH2। तो अब इस कंपाउंड का जो आप नाम देख रहे हैं, और यहाँ पर CH हो जाएगा, ठीक। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं CH2CH CH3, इसका नाम है प्रोपीन वन प्रोपीन। क्या नाम है यहाँ पर, प्रोपीन, सिंपल सी, कि तीन कार्बन और डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट जो है इसका तीन कार्बन का प्रोप बनेगा, और वर्ड रूट के साथ जो प्राइमरी सफिक्स है वो इन लगेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। आई होप आपको IUPAC का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको डबल बॉन्ड देखना है, इस डबल बॉन्ड के, अब डबल बॉन्ड को ठीक से देखिए, तो डबल बॉन्ड के इधर भी आपका इधर आपका दो कार्बन है, जबकि डबल बॉन्ड के इधर आपका सिर्फ एक कार्बन है। तो ऐसी एल्कीन को जब आप बीच से कट करने की कोशिश करेंगे, या इसको टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। ऐसी एल्कीन को हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप एच एक्स को ऐड करना चाहते हैं, एच एक्स को, अगर आपको एच एक्स क्या करना है, ऐड करना है, एच एक्स को ऐड करना है इसमें, तो अब सवाल यह है कि डबल बॉन्ड जब टूटेगा, जब डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जब डबल बॉन्ड वहाँ से वैनिश होगा, तो वैनिश होने के बाद सिंपल सी एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी कि यहाँ पर एक आपका अगर ठीक से देखेंगे, एक ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब सवाल यह है कि CH2 वाले कार्बन पर H देना है या X माइनस, या फिर CH CH3 वाले कार्बन पर H देना है या X माइनस। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए MKW रूल आया था या मार्कोनिकॉफ रूल आया था। तो वो रूल क्या है, तो वो रूल है सिंपली कि किसी, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ क्योंकि लिखने की इतनी जगह नहीं है, सिंपली बस आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो ये अनसिमेट्रिकल वर्ड लगना इंपॉर्टेंट है, किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो हैलोजन एसिड है, यहाँ पर सिर्फ अभी केवल हैलोजन एसिड की बात हो रही है, तो हम सिर्फ उसी को लेके चलेंगे, आने वाले समय में हम H2O को भी देख लेंगे, Cl2 Br2 को भी देख लेंगे, तो वो एक अलग पार्ट है, फिर उसको आगे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप अगर हैलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं, तो हैलोजन एसिड में दो पार्ट होंगे, एक प्लस का पार्ट होगा और एक निगेटिव पार्ट होगा, H प्लस में होगा, X माइनस में होगा, बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एलिमेंट, सो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करवा के रख लेता है। तो X माइनस वहाँ ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे,
डबल बॉन्ड से जुड़े दो कार्बन। अब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दो कार्बन कौन से हैं, तो ये भी देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन ही डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। इस कार्बन या इस मिथाइल ग्रुप का इस डबल बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्ट इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है इससे ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्ट इस डबल बॉन्ड के बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ये समझना है डबल बॉन्ड के अगल बगल में जो कार्बन है वही मेन कार्बन है। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दो कार्बन हैं उनके पास जहाँ हाइड्रोजन सबसे कम होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा वहाँ पर आपका एक्स जुड़ जाएगा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर एच जुड़ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है, दिस कार्बन मोर हाइड्रोजन, ठीक, जबकि इस कार्बन की सिचुएशन, इस कार्बन की क्या है, लेस हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन एटम है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको HX को ऐड करना है। अब HX कैसे ऐड किया जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है तो ऐड एक्स माइनस, और जहाँ पर हाई हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ऐड हाइड्रोजन ऑफ HX, ठीक ना, ऐड एक्स माइनस ऑफ HX। तो आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा, सिंपल सी चीज़ है कि डबल बॉन्ड के जो हाइड्रोजन है वहाँ पर आपको जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन दे देना है, जहाँ हाइड्रोजन कम है उसे, तो जो इसमें कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड अगर मैं इधर से लिखूँ ठीक से, अगर आपको क्लियरली नज़र आए तो देखिए, इसमें कंपाउंड जो बनेगा ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, और ये जो X माइनस है रेड से ये यहाँ पर X माइनस बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो 2-हेलो प्रोपेन बन रहा है। क्या नाम बन रहा है, 2-हेलो प्रोपेन बन रहा है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हेलोजन एसिड किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स को हम लोग, इसके लिए कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, तो अगर आप किसी ने नहीं लिख पाया होगा, किसी बच्चे ने नहीं, अगर कोई लिख पाया होगा तो आप लोग थोड़ा सा पीछे वीडियो को ले जाकर उसे पॉज करके सारे नोट्स बना लीजिए, फिर इसका हम लोग थोड़ा सा, और अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। अब MKW रूल क्या है, इसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। तो MKW रूल ये आपको याद रखना है कि मैंने पॉइंट्स बता दिए थे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, हेलोजन एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, Cl2Br2, HOX जिन्हें हम हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं, और NOCl, इनके बारे में। तो हम लोग को यही समझना है कि कैसे इनका एडिशन किया जाता है। तो अब उसके पीछे की थोड़ी केमिस्ट्री समझते हैं कि ऐसा करते क्यों। देखिए, जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और इसमें डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, ये CH लगा है और ये CH3 लगा है। अब देखना ये है कि मेरे पास जो हेलोजन एसिड को जोड़ने का जो तरीका है, मतलब मैं या तो यहाँ पर अब HX जोड़ सकता हूँ, या यहाँ पर, या आप कुछ भी कह लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि मेरे बॉन्ड तोड़ने की पॉसिबिलिटी ये है। मान लीजिए दो तरह से बॉन्ड टूटेगा। पहले क्या था, अगर सपोज करिए यहाँ पर CH2 होता, एथिलीन मॉलिक्यूल होता, गैस, एथिलीन गैस का मॉलिक्यूल होता, तो आप दोनों तरफ किसी भी कार्बन पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ सिचुएशन एक जैसी है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है कार्बन कार्बन की, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक CH3 ग्रुप के आ जाने की वजह से यहाँ पर अब क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पर्टिकुलर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बदल सकती है अगर किसी के ग्रुप बढ़ जाने या घट जाने से। तो हमें यहीं पर ये चीज़ समझनी है कि मैं या तो इलेक्ट्रॉन को इधर तोड़ सकता हूँ या तो इलेक्ट्रॉन को अगर इधर, तो समझना क्या है, अगर मैंने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा, और अगर इधर निगेटिव आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये पाथ ए से है,
ये कौन सा पाथ मैंने दे दिया ए और ये पाथ है बी, तो मुझे समझना है कि मैं कौन मतलब किधर की ओर इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊं। और दूसरा जो रास्ता है या दूसरा जो तरीका है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना ले जाकर पाई इलेक्ट्रॉन को इधर वाले कार्बन पे ले जा रहा हूँ। अगर मैं इधर वाले ले जाऊँगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। अब समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात है कि मैं दोनों रास्ते बना देता हूँ ऐसे करके। जब मैंने ऊपर वाला रास्ता, ये पाथ ए है और ये पाथ बी है, अगर ए वाला रास्ता बनाया तो यहाँ पर आएगा CH2 और CH और ये आ जाएगा CH3 और यहाँ माइनस। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो X माइनस यहाँ आ जाएगा और H प्लस यहाँ आ जाएगा, यानी कि बनेगा CH3 CH2 CH2 X। जबकि दूसरा जो रास्ता है वो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर आएगा आपका माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका आएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल CH3। इसमें जब आपको हैलोजन एसिड ऐड करना है तो आप देखेंगे एक्स माइनस यहाँ ऐड करते हैं और एच प्लस यहाँ पर ऐड करते हैं। तो समझने वाली बात जानते हैं यहाँ पर क्या है, सिंपल सी, जब आपकी केमिस्ट्री को समझना है, हम अगर पाथ ए से अगर हम आते हैं तो जो हमारा कार्बोकटायन बनता है वो आपका एक प्राइमरी कार्बोकटायन है। कैसा कार्बोकटायन है? प्राइमरी। जबकि जब हम सेकेंडरी जो पाथ बी से, यानी पाथ बी का मतलब है कि जब हमने पाई इलेक्ट्रॉन को इस CH3 ग्रुप से दूर भेजा है तो हमको जो कार्बोकटायन मिल रहा है वो जो कार्बोकटायन है, अगर आप क्लियरली देख सकते हैं तो ये आप देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन है। कैसा कार्बोकटायन है? सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है कि टर्शरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकटायन आ जाता है और फिर आता है प्राइमरी और सबसे लास्ट में आता है CH3 प्लस। तो आप ठीक से देख सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन क्यों, क्योंकि ऐसे कार्बन के ऊपर प्लस है जो दो और अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे को सेकेंडरी बोलते हैं, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी। अच्छा, यहाँ पर तो H जुड़ जाएगा, यानी कि जो कंपाउंड बनना है वो बनेगा CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आपका क्या लग गया, 2 वाला लग गया। यानी कि आपको दोनों मैंने तरीके बता दिए, एक ऐसा चीज़ जिसमें आपको ये पहचानना है कि डबल बॉन्ड में जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर X माइनस और जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर आपका हो जाएगा एक तरह से CH2, यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर H प्लस आप दे देते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मैं पाथ ए के हिसाब से देखूँ, देखिए जो CH3 ग्रुप है ना, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये एक प्लस आई ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप, इसे हम EDG भी बोलते हैं, EDG ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ऑलरेडी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब अगर कभी इसको ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन देने की तो ये इसको सपोर्ट कर देगा तुरंत, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नेचर वाला है। अब तुम ऑलरेडी अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इस पर्टिकुलर बीच वाले कार्बन पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है ना अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अब ऑलरेडी यहाँ पर भी पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी ग्रुप ऐसा है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या मान लीजिए अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके आसपास चारों तरफ खूब सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये नहीं चाहता है कि और खूब सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो इस प्लस आई से दूर होती है। तो ये एक रूल भी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि प्लस आई ग्रुप है जहाँ पर पाई बॉन्ड का अगर हमें ब्रेकिंग करना है तो प्लस आई ग्रुप से दूर करते हैं और जहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगे होते हैं उनकी तरफ करते हैं। अगर यहीं पर अगर CH3 ग्रुप की जगह पर सपोज करिए CL होता, CL ग्रुप, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई ग्रुप शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, या CN ग्रुप होता, एल्डिहाइड ग्रुप होता, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता, तो यही बॉन्ड इस कार्बन की तरफ खींच लिया जाता। ठीक है, तो ये एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल सी चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ही हमारे सर लोग हमको पढ़ाते थे कि कमज़ोर दिल वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है या केमिस्ट्री ही नहीं है, और इनऑर्गेनिक एक नंबर से शुरू होती है और ऑर्गेनिक जीरो नंबर से शुरू होती है और लोगों को उतने ही मिलते हैं। इसलिए बहुत पेशेंस चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और आप लोगों को भी इस तरह का अपना एक कैरेक्टर शो करना चाहिए कि आप बहुत पेशेंस से पढ़िए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितना भी पढ़ लें, कितने भी आप नॉलेज आपके पास क्यों ना हो, फिर भी आपको कभी अपने ऊपर इस तरह का एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई है। आप फिर उसमें कुछ ऐसा नया पढ़ लेंगे या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं ऑर्गेनिक में, यही तो एक खास बात है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि इतने सारे 1.5 मिलियन, जहाँ पर जिसके 15 मिलियन कंपाउंड हो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कंपाउंड हो,
तो ऐसे केमिस्ट्री को पढ़ने का एक अलग ही पेशेंस और एक जिगर चाहिए, इसलिए जस्ट पेशेंस आपको रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन की वजह से मेन रीज़न है कि ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे और सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको MKW रूल समझ में आया होगा। अब सपोज़ करिए, मैं कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और JCH3, आपको दिख गया यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, लेस है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, मोर है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, मोर है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको HX जोड़ना है, HX जोड़ना है ना, तो आपको यही याद रखना है MKW रूल क्या कहता है। MKW रूल की एक खास बात और बता देते हैं, रिच बिकम रिचर, ये नारा है, याद रखना, कभी भूलना नहीं। जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अमीर है, यानी ये अमीर है ना, तो तुम H इसको दे दो, और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो X इसको दे दो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, MKW क्या बताता है, रिच बिकम रिचर, जो पहले से अमीर है उसको तुम और ज़्यादा अमीर कर दो। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियरली अगर आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के ये CH3 हो जाएगा, और ये जो आपका X है, जहाँ पर आपने X को इस वाले कार्बन पर जोड़ना है, तो यहाँ पर ऐसे आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ठीक से देखेंगे अगर आप, तो ये 1-ene से 2-halo कंपाउंड बन रहा है, यानी कि जो इसमें प्रोडक्ट है 1-ene है और वहाँ पर 2-halo हो गया है, 2-halo हो गया है सिंपली, यानी सेकंड नंबर वाली पोजीशन पे जुड़ रहा है, क्योंकि सेकंड कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल और मोर स्टेबल, सो दैट्स वाई वहाँ पर हमको बीच वाले कार्बन पर देखने को मिलता है। चलिए कुछ एग्जांपल मैं और देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उसके प्रोडक्ट को समझने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इस तरह, एक तो यही हो गया सिंपल HCl, ठीक है, या इसमें एक और ऊपर ऐसे ऐड कर देता हूँ कंपाउंड, ठीक है। इसमें आपको HCl जोड़ना है, तो इसमें चार प्रोडक्ट बनाने हैं हमें। अब हमें यही समझना है, सिंपल सी चीज़ है कि हमें बस डबल बॉन्ड को देखना है। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपको देखने में, हो सकता है 12th क्लास के बच्चे देख के या 11th क्लास के बच्चे जो भी अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल। आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझना है कहाँ डबल बॉन्ड है बस। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड को अगर ठीक से देखना है, तो इसमें जब आपको एडिशन करना है, तो डबल बॉन्ड का किनके बीच में है, तो मैंने रेड से बना दिया है, यानी एक ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब अगर ठीक से इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर केवल एक H होगा, जबकि इसकी पूरी वैलेंसी हो चुकी है। ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ रहे हैं, हमेशा एक बात का सबसे बेसिक चीज़ आपको समझ के रखनी है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है। जहाँ पर ये रूल वॉयलेट होगा, वहाँ पर आप समझ लेंगे कि जहाँ पर ये रूल ब्रेक हो गया, कि मान लीजिए चार की जगह पाँच आप वैलेंसी कर रहे हैं या तीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैलेंसी हमेशा चार होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी चार सेटिस्फाई करनी है किसी तरह। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक। तो अब देखिए, इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए। इस कार्बन में आप देख रहे हैं कि इसने अपने दो बॉन्ड इस कार्बन से बनाए हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाए हैं और एक बॉन्ड नीचे वाले कार्बन से बनाए हैं। तो इस कार्बन के चारों वैलेंसी फ्री जो होनी चाहिए थी, वो सबके साथ बॉन्ड बना चुके हैं। चार कार्बन के लास्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ने यहाँ पर शेयरिंग कर लिया है, यानी कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं यहाँ पर एंगेज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक इस वाले कार्बन से जुड़ा था और दो इस वाले से, तो इसका मतलब अभी तक टोटल तीन ही बॉन्ड थे, यानी जो एक बॉन्ड बच रहा है उसका मतलब है उसके साथ वो हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, रिच बिकम रिचर। अब तुम्हें HCl का एडिशन करना है, तो तुमको क्या करना होगा ना, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब इसके मुकाबले देखेंगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं कोई, अब ये ना कह दिएगा सर इसके पास तो तीन तीन हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन दूसरे कार्बन में है। ये जो तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, वो किसी और कार्बन के हिस्से हैं, वो किसी और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें मतलब उन कार्बन से रखना है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है, तो एक में CH है और एक में सिर्फ C है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन लेस,
इस वाले कार्बन के पास देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, लेस है, जबकि इस वाले कार्बन के पास देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन मोर है। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरह की है, ये सी है, ये डबल बॉन्ड सी, ये और ये। तो अब अगर आप क्लियरली देखो इसको, तो ये डबल बॉन्ड इनके बीच में भी, इनके बीच में, अब ये एक बॉन्ड ऐसे बनाए हुए हैं। तो ठीक से देखोगे यहाँ पर ये सी एच थ्री लगा हुआ है और ये वाला जो बॉन्ड है वो नीचे वाले रिंग के नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब है इसके पास एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास नहीं है। तो जब आप एडिशन करेंगे, जब आप एडिशन करेंगे तो सिंपल सा जो इसमें कंपाउंड बनेगा वो है इस तरह से, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ सी एल जुड़ जाएगा, इसका मतलब है ये सी एच थ्री, और यहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे, सी एल जोड़ देंगे, और साथ में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन पहले से एक था और एक हाइड्रोजन और हो जाएगा, यानी कि ये जो अब कार्बन है अब ये sp3 कार्बन बन जाएगा। कैसा कार्बन बन जाएगा, sp3, जबकि यहाँ पर अभी ये दोनों कार्बन कैसे थे, sp2। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि रिच बिकम रिचर वाला। आपने जो हाइड्रोजन दिया है वहाँ पर, ये हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया है एक तरह से, मैं इसको ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ, जो जुड़ रहा है हाइड्रोजन ये ऐसे आ जाएगा इसमें। तो आई होप आपको एक इसमें तो सिंपल सा है आंसर, सी एस थ्री सी एच, यहाँ पर कम है तो सी एल इधर दे दो और सी एस थ्री इधर दे दो। बाकी और कंपाउंड में भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसको देखिए सी एस थ्री, ये सी और ये सी एस थ्री, सिंपल सी चीज़, यहाँ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है यहाँ पर है ही नहीं, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वही करना है, रिच बिकम रिचर। रिच बिकम रिचर का मतलब है हाइड्रोजन तुम्हें उसे देना है जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जो हाइड्रोजन जिसके पास पहले से ही ज़्यादा है आप और हाइड्रोजन दे दे रहे हैं, तो वो रिच था पहले से ही और आपने उसको रिचर कर दिया। तो कॉन्सेप्ट इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, ठीक से देखेंगे तो Br इधर ऐड कर देंगे ऊपर, ऐसे डबल बॉन्ड टूटेगा, और H यहाँ पर दे देंगे तो ये टू कर देंगे यहाँ पर। सिंपल सा है फंडा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, अब इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एथिलीन गैस का ही मॉलिक्यूल है। अब एथिलीन गैस कैसे, क्या होती है एथिलीन में, एथिलीन में क्या होता है, एथिलीन में होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। तो बस इधर वाला तो सी एच टू है, लेकिन इधर वाले सी एच टू में दो हाइड्रोजन की जगह बेंजीन का रिंग आ गया, फेनिल रिंग, और सी एच थ्री ग्रुप आ गया। तो बस मॉलिक्यूल ऐसा ही है, कोई इतना इसमें देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। अब रिच बिकम रिचर वाली कहानी बना देनी है, देखो मॉलिक्यूल पूरा सेम है, यहाँ सी एच टू था, हाइड्रोजन इसे दे दोगे और क्लोरीन इसे दे दोगे, तो ये कंपाउंड बन गया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आई पी एस सी नेम कैसे बनेगा, एक दो तीन, तो टू क्लोरो टू फेनिल प्रोपेन, इट्स अ वेरी इजी कंपाउंड। तो इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तुरंत। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट मेथड पर। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अप टू ट्वेल्थ लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, इवन हायर क्लास में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उसको याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आई होप आप लोगों ने अब तक इसे लिख लिया होगा, मैं इसे रब करता हूँ। अब एक ऐसे रूल की बात करने जा रहे हैं जो इसके अपोजिट है, जिसका नाम है एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसी को हम खैरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसे हम खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लीजिएगा, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपको याद रखने चाहिए। की पॉइंट्स क्या हैं, अगेन इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अलावा इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन, साथ में यहाँ पर एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाता है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड प्रेजेंस होनी चाहिए, उसका जनरल फार्मूला R2O2 रखना है। क्या रखना है, R2 ऑर्गेनिक परऑक्साइड होगा। वैसे तो कॉमन परऑक्साइड का नाम आपने हमेशा बचपन से सुन रखा होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फार्मूला H2O2 होता है, बस उसमें H2O2 में बस H2 की जगह R2 हो जाएगा, यानी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। और परऑक्साइड बॉन्ड कैसा होता है ये भी आपको मालूम होगा, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं
और उसी को हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं। इसमें इनका जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। तो सिंपल सा अगर आप यहाँ HH कर लेते हैं तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। यानी वाटर मॉलिक्यूल में किसी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो, आप ये समझो। ठीक, तो परऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। और सेम वही HX का एडिशन हो या Cl2 Br2 एंड सो ऑन, इनके ही एडिशन में HX है या H2O है, इन सब के एडिशन में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप वाटर ले सकते हैं, इसके पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है, तो H2O2। अब आपको यहाँ समझने वाली बात क्या है, जो परऑक्साइड बॉन्ड है ना ओनली वर्क ऑन HBr के लिए ही वर्क करता है, नॉट फॉर HCl और HI। अगर HI और HCl की प्रेजेंस में परऑक्साइड दिया हुआ है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये इसकी खास बात है HBr की। वो थोड़ा सा थर्मोडाइनमिकली वाली बात आ जाती है इसमें, हायर लेवल में पढ़ने को, ग्रेजुएशन पढ़ने को मिलता है, फिर भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 12th लेवल पे हो सकता है इतना ना समझ में आए, फिर भी बता देंगे कि HBr के लिए ही क्यों काम करता है, बाकी सबके लिए काम नहीं करता है। और इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन मोर होगा है ना, वहाँ पर ऐड करोगे क्या X- या सिंपली क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट Br, और हाइड्रोजन जहाँ पर लेस है वहाँ पर ऐड करोगे H, तो HBr आपको ऐड करना है। देखो ये उल्टा हो गया, उल्टा हो जाने का मतलब क्या है कि ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, एंटी MKW। खैरास इफेक्ट क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ में क्या होता था, रिच बिकम रिचर का मतलब है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं हाइड्रोजन दे दो। यहां पर उल्टा हो रहा है, जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन दे रहे हैं, इसका मतलब है पुअर बिकम रिचर हो रहा है यहां पर। तो इस चीज़ को भी समझना है अच्छे से। तो ये कंसेप्ट थोड़े से छोटे छोटे हैं, इसको लिख लो बहुत काम आएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जरा अच्छा R2O2 का एग्जांपल कोई देख लेते हैं। जैसे बेंजोइल परऑक्साइड होता है, बेंजोइल परऑक्साइड कैसे, सबसे पहले बेंजोइल बना लो, ये आपका बेंजोइल हो गया। जैसे बेंजोइल हो गया, बेंजोइल में अगर Cl लगा दोगे तो बेंजोइल क्लोराइड नाम हो जाता है इसका, याद होगा आपको, मिलता है हम लोग को रिएक्शन पढ़ने को। आपने रोजनमुंड रिएक्शन पढ़ी होगी, तो रोजनमुंड रिएक्शन में इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, एसिटिल क्लोराइड होता था और वहाँ से एल्डिहाइड बन जाता था, अगर आपको याद होगा रिडक्शन कराने पर। ठीक, तो ये बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, तो बेंजोइल परऑक्साइड में कुछ ऐसा होता है देखने को, और ये वापस ऐसे बना दो, ये कुछ ऐसा बनता है बेंजोइल परऑक्साइड में। इनके बीच में बेंजोइल परऑक्साइड के बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड आ गया, इसलिए बेंजोइल परऑक्साइड नाम हो गया इसका। ये बहुत ही कॉमन एक आपका परऑक्साइड रिएजेंट होता है जो अक्सर यूज़ किया जाता है, इवन मतलब इसे हम लोग जो आपकी पॉलीमेरिक रिएक्शन होती है उसमें भी बहुत मतलब बड़े अच्छे तरीके, मतलब बड़े अच्छे लेवल पर, बड़े अच्छे पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये लिख लीजिए, कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कहीं पर ऐसा बना हुआ दिखेगा, कहीं पर ऐसा भी लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये क्या बता दिया, वो सर तो कुछ और बता रहे थे, तो इतना प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक, तो इसे लिख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ और इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ। खैरास इफेक्ट, और इसमें उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या हो जाता है ये समझ लेते हैं। उल्टा ये हो जाता है कि अगर मैं HBr इसमें ऐड करना हूँ और यहाँ पर अगर लिख देता हूँ R2O2, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ R2O2 यानी कि परऑक्साइड, कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलेगा R2O2, कहीं पर ये मिल सकता है, कहीं ये मिल सकता है, या ये मिल जाएगा डायरेक्ट इस तरह से, ये तीनों मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे देगा, मतलब जैसे कभी ये सिंपल ये होगा या सिर्फ ये होगा, या परऑक्साइड लिख के ये मॉलिक्यूल बना देगा, मतलब बेंजोइल परऑक्साइड, तो कोई भी होगा आप समझ जाना यहाँ पर क्या है आपका एक तरह से परऑक्साइड यानी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा। अब मार्कोनिक ऑफ रूल क्या था, मार्कोनिक ऑफ रूल था कि Br वाला जुड़ जाता था बीच वाले कार्बन पे, जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ आप हाइड्रोजन जोड़ देते थे, तो यही तो बोलते थे रिच बिकम रिचर। लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में ऐसा नहीं होता, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में होगा जो पुअर है उसको हाइड्रोजन दे दो, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन दे दोगे, ठीक से देखोगे, मैं इसको दूसरे उससे बना देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन
बॉन्ड तोड़ के ये CH2, और यहाँ पर आपने दे दिया सिंपल Br, यहाँ पर क्या दे दिया Br, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि Br ये प्राइमरी कार्बन पे जुड़ रहा है, ठीक से देखोगे उसमें क्या होता था, जो कार्बन होता था वो सेकेंडरी कार्बन होता था, जबकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमको ये देखने को ये मिल रहा है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है। थोड़ा सा इसकी थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म समझनी है तो सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी है, जब भी परऑक्साइड कहीं आ जाता है ना, अगर कहीं पर भी परऑक्साइड आ जाता है इस तरह से, अगर ये परऑक्साइड आ गया, मैं इसको थोड़ा सा दो अलग अलग कलर से भी दिखा देता हूँ जिससे कि एकदम क्लियर रहे, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और इनके बीच में परऑक्साइड बॉन्ड है। अब ये जब परऑक्साइड आ जाता है ना, तो परऑक्साइड हमेशा होमोलिटिक फिजन करते हैं। कैसा करते हैं परऑक्साइड हमेशा कैसा फिजन करते हैं? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? होमोलिटिक फिजन ऐसा होता है जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास बराबर, सॉरी दोनों एटम के पास, बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एटम को इक्वल मिल जाते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन हैं एक सिंगल बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा और दूसरा इसमें। इसका एक और ये भी कारण है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो सेम है दोनों की तरफ की, जो इलेक्ट्रॉनिक या ग्रुप इन्वायरमेंट वाली जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है वो सेम है, तो दोनों लोग आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन वापस रख लेते हैं। तो जब अगर ऐसा होगा तो इससे बनेगा क्या, आर ओ फ्री रेडिकल, ये वो भी कितने बनेंगे, दो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये वही फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म है जो हम लोगों ने एल्केन वाले में पढ़ा था, जब हम एल्केन से एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बना रहे थे, वहाँ पर भी कुछ ऐसा चेन वाला रिएक्शन हो रहा था। तो अब इसमें जैसे ही ये वाला पोर्शन अगर एक बार क्रिएट होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, आपको बेंजोइल परऑक्साइड का फ्री रेडिकल मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब जब ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो अब देखो यहाँ पर ये जो CH3 मॉलिक्यूल है, जब ये CH3 मॉलिक्यूल है, तो ठीक से देखोगे अगर आप लोग, तो ये CH3 मॉलिक्यूल भी क्या होगा ना, कि यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और साथ में H होगा। ऐसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये जो HBr होगा, HBr, हाँ। तो अब मुझे एक चीज़ और बतानी थी, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो RO है ना, RO ये रिएक्शन करता है HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करता है। अब HBr के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, तो HBr का इलेक्ट्रॉन भी बराबर ऐसे बटेगा। उसका रीज़न ये है कि आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट में या 11th में आपने पढ़ा होगा, तो ये आप जानते होंगे कि फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करते हैं, वो आयन से रिएक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आयन में दो चीज़ें बनती हैं, या तो एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी। अब दोनों की खास बात क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव में उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, ज़्यादा होता है उनके पास, जबकि ये ऐसे हैं जिनके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो वापस से आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ऐसा होगा, तो ये आर एच के साथ रिएक्शन बना के आर ओ एच बना लेता है, आर ओ एच बना लेगा, और साथ में बनाएगा क्या, यहाँ पर बी आर फ्री रेडिकल, क्या बना लेगा, बी आर फ्री रेडिकल। यही बी आर फ्री रेडिकल जाके इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, क्या करता है, अटैक करता है। अब जब ये अटैक करेगा, तो अगेन यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल ही बनाना पड़ेगा। अब जब आप इसका फ्री रेडिकल बना रहे हैं, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, अगर आप समझने की कोशिश करिए तो, अगर आपको ठीक से समझ में आए तो समझिए, यहाँ पर फ्री रेडिकल कुछ ऐसा जनरेट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें Br को ऐड करूँ। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं इनको, इनके डबल बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक कर रहा हूँ, इनका क्लीवेज ऐसे हो रहा है कि दोनों लोग अपना आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहे हैं। तो अब देखो, अगर मैंने Br, अब मैं मान लेता हूँ कि इस ये सिचुएशन बनी आफ्टर क्लीवेज, यहाँ पर आपकी जो क्लीवेज होगी वो कैसी होगी, होमोलिटिक, कैसी होगी, होमोलिटिक फिजन होगा। कैसा फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन, होमो मतलब सेम और लिटिक माने होता है क्लीवेज या ब्रेकिंग या अलग अलग होना, तो होमो का मतलब सेम मतलब एक जैसा, मतलब बराबर, आइडेंटिकल। तो यहाँ पर आपको दोनों इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन ने ले लिए। अब मैं अगर इसमें Br जोड़ता हूँ, क्या जोड़ूँ, Br, तो दो तरफ Br जुड़ सकता है, या तो एक इधर जुड़ेगा या एक इधर जुड़ेगा, ठीक, दो रास्ते यहाँ पर फिर से आ गए। अब जैसे ही मैंने Br, अब सपोज करो मैं इधर Br जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर Br जोड़ने पर मुझे मिलेगा क्या, ये मिलेगा इस तरह से,
अब ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, जबकि अगर ये मैं इस वाले के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ साइड में, ठीक, ये आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, इधर बी आर जुड़ जाएगा और यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अब अगर आप ठीक से देखेंगे ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, और इस वाले को देखोगे तो ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। फिर से वही बात, कार्बोकटायन वाली जो बात चली थी, फ्री रेडिकल में भी टर्शियरी फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से, किससे ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा जब आपको दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं, जहाँ पर आपको एक बार प्राइमरी पे बनाना है और एक बार आपको सेकेंडरी पे बनाना है, तो अगर बी आर यहाँ पर जुड़ेगा यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, जो कि प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा ही स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसके पीछे की जो रियल केमिस्ट्री है वो ये है, बाकी रटने को आप कुछ भी रट सकते हैं, बाकी बात अलग है, पर मेन कॉन्सेप्ट यही है, रटना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि रटना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट इतने सारे, पर उसकी केमिस्ट्री क्या है, वाकई में उसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है वो आपको मालूम होनी चाहिए अच्छे से, तब आपका रटना सफल है। लेकिन आप रट लिए हैं लेकिन आपको उसके पीछे की केमिस्ट्री नहीं आती है, तो फिर कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक कुछ चीज़ों में अच्छा स्कोर कर लेंगे, या मान लीजिए कहीं पर आप अपनी वाहवाही तो कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ पर आएगी बात की चलिए आप इसको एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों होता है, तब फिर आपका डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए अपने डब्बे को गोल मत रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस चीज़ का एक तरह से सिग्निफिकेंस है, पेशेंस का, पेशेंस रखिए, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे तो हमेशा ये, अब बात आती है कि ये HBR पर ही क्यों अप्लीकेबल है। फ्री रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म की खास बात ये होती है कि ये एक बहुत ही ऐसे टेम्परेचर पर, मतलब एक बहुत सूटेबल टेम्परेचर पर रिएक्शन इनकी कराई जाती है। वैसा नहीं है कि अपने मनचाहे तरीके से टेम्परेचर सेलेक्ट कर लो, अपने मनचाहे तरीके से जो है आप प्रेशर या जो भी चीज़ें हैं जो रिएक्शन की कंडीशन है, तो दिक्कत ये है कि जिस टेम्परेचर या जिस माहौल में इस रिएक्शन को कराया जाता है उसमें होता क्या है कि थर्मोडाइनेमिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है थर्मोडाइनेमिक्स के बिहाफ पर। थर्मोडाइनेमिक्स मतलब जहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो थर्मोडाइनेमिकली यहाँ पर क्या होता है कि HBR ही अपने आप को फ्री रेडिकल के रूप में क्लीवेज कर पाता है। HI आपका जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है मान लीजिए, उस टेम्परेचर पर वो फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक नहीं हो पाता है, एक तरह से समझिए। और HCl के हिसाब से आप देखेंगे तो वो उसके लिए इतनी एनर्जी है नहीं, क्योंकि HCl के बीच की बॉन्ड बहुत मजबूत रहती है एज़ कम्पेयर टू HBR। तो हमको ये देखना है कि HBR के मुकाबले HI के लिए वो एनर्जी बहुत कम है, तो वो बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाती हैं। HBR के मुकाबले जो फ्री रेडिकल बनाने के लिए एनर्जी लगती है, जो टेम्परेचर लगता है, उस टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए अगर हम HCl और HI को कंपेयर करें तो HCl का बॉन्ड मजबूत है, तो उतनी एनर्जी सफिशियंट नहीं है कि वो उसको फ्री रेडिकल के रूप में ब्रेक कर सके। और HI के हिसाब से अगर देखोगे तो उतनी एनर्जी क्या है, काफ़ी है। मतलब जैसे HBR मतलब एक के लिए अगर कम है तो एक के लिए तो वो ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि HI के बीच का तो बॉन्ड और भी वीक है, तो वो ऑलरेडी आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए HBR ही ऐसी प्रॉपर्टी शो कर पाता है, हायर क्लास में या ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता भी है इसके बारे में अच्छे से, तो जहाँ पर आप पूरा ग्राफ भी देखने को मिलता है इसका। तो मेन आपको ये याद रखना है कि HBR थर्मोडाइनेमिकली ही फ्री रेडिकल जनरेट कर पाता है, HCl और HI नहीं कर पाते, बस इसका सिंपल सा ये चीज़ है। तो उसका रीज़न थर्मोडाइनेमिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, तो वो चीज़ हायर क्लास में मिलती है, तब आप पढ़ लीजिएगा, पर अभी आपको ये समझ लेना है कि मेन फ्री रेडिकल की जो उसके पीछे की कहानी है वो है आपका सिंपली प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। आई होप आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड बुक्स में कोई जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो देखते हैं ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको समझ में आ गए होंगे, मैं इसको इतना लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पर साइड में आप इसके कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं,
जैसे आप सिंपल सा जैसे सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस थ्री सी एस टू, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ ज़रा। कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग, जिससे कि वो आपको प्रैक्टिस में काम आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस एच बी आर है, यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पर आपको आर टू ओ टू लिख देना है। फिर इसके बाद ऐसा करके लिख सकते हैं, ये एच बी आर और आर टू ओ टू। फिर इसके बाद एक ऐसा लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पर एच सी एल लिख देते हैं और आर टू ओ टू। अब सब खास ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आर टू ओ टू ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन वही बात होगी कि ये फ्री रेडिकल बना नहीं पाता है। जब फ्री रेडिकल बना नहीं पाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो सी एल यहाँ लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और ये हो जाएगा आपका सी एस थ्री, ये कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि जो ये वाला होगा आर टू ओ टू है, लेकिन फिर भी ये किसको फॉलो करेगा, एम के डब्ल्यू रूल को फॉलो करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, यही छोटी छोटी बातें हमें अच्छे से याद रखनी होंगी, इसलिए आपको आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको एच बी आर लगाना है, तो एच बी आर कहाँ लग जाएगा, इस तरह से। और एक रिएक्शन देख लेते हैं ज़रा, आर टू ओ टू, या कहीं पर सिर्फ परऑक्साइड लिखा मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं आप, बताइए। अब आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनका आंसर लिख के बताइएगा। तो आई होप आपको दो इतना सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और जो है नेक्स्ट में हम लोग इसके और जो प्रिपरेशन मेथड हैं, जैसे आपका अल्कोहल से है और बाकी चीज़ें भी हैं, उसको अच्छे से समझ लेंगे। और फिर इनका ये जो आपका इसमें इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे अल्कोहल से है आपका इम्पॉर्टेंट, और आपका जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन है, ये सब पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब एल्किल क्लोराइड भी करेंगे, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, और साथ ही साथ एल्किल फ्लोराइड को भी बनाने को जो मेथड्स हैं वो देखेंगे। जनरली आपने अभी तक जितने मेथड देखे हैं उसमें आप एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड को बनाते हुए देख रहे हैं, आने वाली रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें एल्किल आयोडाइड को भी सीखेंगे और एल्किल फ्लोराइड को बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे तो बिल्कुल आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिए, बोलिए, उसके बारे में पूछिए। और फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं, हैप्पी दशहरा, आज दशहरा का दिन है, और बुराई पर अच्छाई की जीत की कामना करते हुए आप सभी के सुखद स्वास्थ्य की और सुखद मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।